हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टुडे आर टॉपिक इज कैप्सुलर फ्रूट तो लास्ट हमने वीडियो में किया था टाइप्स ऑफ फ्रूट जिसमें हमने किया था सिंपल फ्रूट कंपोजिटिव फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट वो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में बताया था तो सिंपल फ्रूट को भी हमने आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया था जैसे ड्राई फ्रूट एंड सकुलेंट फ्रूट ड्राई फ्रूट में हमने उसको आगे फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था अकीनल फ्रूट कैप्सुलर फ्रूट एंड लास्ट वन इज साइजोकार्पिक फ्रूट तो आज हम करेंगे ड्राई फ्रूट्स की आगे दो टाइप्स जो रहेगी फ्रूट एंड साइजोकार्पिक फ्रूट तो फर्स्टली जो कैप्सुलर फ्रूट होते हैं उनमें उसके मेन करेक्टिव फीचर्स क्या हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था काइनल फ्रूट वो कहते हैं सिंगल सीडेड ड्राई सिंपल एंड इनडहीसेंट इनडहीसेंट मीन्स वो ब्रेकअप नहीं हो पाते थे तो जो कैप्सुलर फ्रूट है उनमें क्या डिफरेंस है वो मैनीसीडेड हो गए कि बहुत सारे सीड प्रेजेंट हम जब वो डिहिसेंट होंगे ड्राई होंगे सिंपल तो है ही और डिहिसेंट होंगे तो इनमें क्या डिफरेंस था पीछे वाले अकीनल फ्रूट्स में ये मैनीडेड हो गए एंड ये डिहिसेंट हो गए मीन्स अपने को ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो आगे हम करेंगे इसकी टाइप्स जैसे फर्स्ट है लेग्यूम्स लेग्यूम्स सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होगी सुपीरियर है तो वो यूनिलोकुलर है यूनिलोकुलर है तो वो मोनोकार्पुल है तो उसके पास आपने मेन याद रखना है कि लेग्यूम्स के पास मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है अब मैंने आपको प्लेसेंटेशन वाली वीडियो में बताया था कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ प्रेजेंट होती है पी में या लेग्यूमिनेसी फैमिली में तो आपने याद रखना है अगर मार्जिनल प्लेसेंटेशन है तो वो पी में प्रेजेंट है पी का को, फ्रूट को हम क्या कहते हैं लेग्यूम और ये करता है अपने आप को दोनों साइड से मीन्स डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, भी ब्रेक डाउन कर लेता है तो जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो कि इसकी डिशन दिखाई गई है ब्रेक डाउन दिखाई गई है तो जो मटर का जो फ्रूट होता है वो अपने अपने आपको अपने आप को दोनों साइड से ब्रेक डाउन कर लेता है जैसे ऊपर वाली साइड को हम वेंट्रल साइड कहते हैं ये उसने यहां से भी ब्रेक डाउन हो सकता है जो पीछे वाली साइड है जिस हम मटर को दोनों साइड से खोल सकते हैं ऊपर से भी नीचे से भी तो इसमें लाइन ऑफ रेसिस्टेंस कितनी है दो प्रेजेंट होती है ये अपने आप को डॉर्स और से ब्रेक डाउन कर लेता है <laughs> नेक्स्ट है फॉलिकल फॉलिकल भी सिमिलर सी, होता है लेग्यूम्स के साथ ही जैसे इसमें भी सुपीरियर यूनिलोकुलर मोनोकार्पलरी एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होगी लेकिन इसमें डिफरेंस होता है डेहिस्टेंस में हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि दोनों साइड से अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा लेकिन फॉलिकल में ये अपने आप को वन सल्चर मीन्स वेंट्रल साइड से ही डेहिस्टेंस कर पाएगा खोल पाएगा फ्रूट तो इसके एग्जाम्पल में जैसे लक्ष्यपुर का जो फ्रूट होता है वो फॉलिकल टाइप ऑफ फ्रूट होता है जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि इसमें लाइन ऑफ डिस्टेंस क्या होगी एक ही होगी यहाँ पे जो ऊपर है वल्चर साइड पीछे से ये पूरा बंद होगा ऐसे बंद होया होगा तो जो इसके एक ही लाइन ऑफ डिस्टेंस प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते हैं वेंटर सर्चर यहां से ये यह अपने को ब्रेक डाउन करेगा सिमिलर होगा लेग्यूम्स के साथ ही लेग्यूम को हम पोड भी कहते हैं ये आपने याद रखना है कि लेग्यूम्स को पोड भी कहते हैं नेक्स्ट है जैसे सिलीक् सिलिकुआ में क्या डिफरेंस है सुपीरियर ही होगा लेकिन इसमें जो ओवरी है वो बाइलोकुलर है बाइलोकुलर तो बाई कार्पलर ही होगी अब इसमें कौन सी प्रेसेंटेशन प्रेजेंट होती है प्राइटल अब प्राइटल प्रेजेंटेशन कहाँ प्रेजेंट थी मस्टर्ड में और हमने इसके और भी क्रैक्टिस फीचर पढ़े थे कि मस्टर्ड में या प्राइटल प्लेसेंटेशन में रेपलम प्रेजेंट होता है जिसे हम फॉल्स चैप्टा कहते हैं तो ये अपने आप को रिसेंस करेगा टू वॉल्स इसमें भी दोनों तरफ से डिस्टेंस हो सकती है वेंट्रल एंड डोर्सल सर्च से जैसे इस फिगर में दिखाया गया है दिस वन इज अ फ्रूट ऑफ मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं सिलिकुआ तो ये आगे से भी पीछे से भी अपने आप को डिस्टेंस कर पाएगा और बीच में जो ये फॉल्स रेपलम होता है जैसे आपने सरसों का जो फ्रूट देखा हो तो उसमें एक थोड़ा सा वाइट कलर का थिन सा सेप्टम uh, प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर सीड लगे होते हैं तो उसे हम कहते हैं वाइट से thin, जो स्ट्रक्चर um, प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं रेप्लम तो इस टाइप को हम फ्रूट को कहते हैं सिलिकुआ मेन आपने इसमें याद रखनी है एग्जांपल्स कि कौन से फ्रूट की कौन से एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट है जैसे सिली और ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है अब ऊपर हमने पढ़ा था सिलिकुआ यहाँ पे है सिलिकुला ये सेम ही होता है सिलिकुआ, सिलिकुआ की तरह लेकिन ये शॉर्टन हो जाएगा सिलिकुआ से थोड़ा सा छोटा होके अपने आप को फ्लैट फॉर्म की तरह दिखाई देता है तो इसके एग्जांपल में जैसे इब्रिस जिसे हम कैंडी टफ भी कहते हैं है तो ये भी ब्रासी किसी फैमिली से बिलोंग करता है इब्रिस एंड मस्टर्ड ये दोनों ही ब्रासिकेश फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन इन दोनों के फ्रूट में थोड़ा सा डिफरेंस है 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 कि जो कैंडी टफ होता है या इब्रिस होता या उसका फ्रूट थोड़ा सा शॉर्टन होकर अपने आप को फ्लैट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है तो ये दोनों ही इब्रिस एंड जो मस्टर्ड है दोनों ही ब्रासिकेश फैमिली को बिलोंग करते हैं और इन दोनों का फ्रूट बट डिफरेंट है नेक्स्ट है लास्ट वन कैप्सूल कैप्सूल में क्या होगा कि कैप्सूल की फॉर्म में फ्रूट होगा और ये ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंस आगे फर्दर टाइप का है जैसे फर्स्ट है पोरोसीडल अगर कैप्सूल की डिहिसेंस ब्रेक डाउन मतलब पोर से होती है तो इसे हम कहते हैं पोरी सीडल मीन्स अपने आप को कैसे ब्रेक डाउन करेगा थ्रू दी पोर तो इसके एग्जांपल में जैसे लूफा एंड पॉपी डेंटी सीडल में आएगा एपिकल तीथ के थ्रू अपने आप को डिहिसेंस करेगा तो इसके एग्जाम्पल में पिंक जैसे डायंथस नेक्स्ट है लोक्यूली सीडल है मे फ्रूट अपने आप को डिसेंड करेगा लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स में जिसकी एग्जाम्पल में कॉटन नेक्स्ट है पाई पाइक्सीडियम जिसमें जो कैप्सूल है वो अपने को सर्कुलर लाइन में ट्रांसफर सर्कुलर लाइन में डिस्टेंस करेगा एग्जाम्पल में जैसे पॉच्यूला का लास्ट वन है जैसे सेप्टी फ्रेगुलर सेप्टी फ्रेगुलर में इरेगुलर मेथड से अपने को ब्रेक डाउन कर लेगा एग्जाम्पल में विधतूरा जैसे इस फिगर में दिखाया गया डिफरेंट टाइप ऑफ दी कैप्सूल जैसे फर्स्ट है पोरोसिडल पोरोसिडल में पोर्स के थ्रू फ्रूट की डेहेंट हो गए मीन्स फ्रूट पोर के थ्रू अपने आप को ब्रेक डाउन करके सीड्स की सीड्स को निकालेगा नेक्स्ट है जैसे डेंटिस denti डेंटिस में आपको बताया कि एपिकल तीथ ऊपर तीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे टिप्स पे जो हेल्प करेगी डेस्टेंट में जिसके एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था पिंक पिंक को हम डायंथस भी कहते हैं नेक्स्ट है हमने था नेक्स्ट हमने पढ़ा था लॉक्यूसिडल लॉक्यू सीडल।, सीडल में क्या था लॉन्गिट्यूडन प्रेजेंट होती है जैसे हमने लेडी फिंगर का फ्रूट आप देख सकते हो जब वो पूरी तरह मिच्योर हो जाता है तो वो स्लिट्स की फॉर्म में अपने आप को सीड्स बाहर निकालता है तो उसे हम कहते हैं लॉक्यूसीडल की स्लिट्स फॉर्म करके डे करेगा फ्रूट की नेक्स्ट है जैसे स्याप्टी फ्रेगलर, स्याप्टी फ्रेगलर में मैंने आपको बताया कि इरेगुलर मेथड से भी कहीं से भी अपने को ब्रेक डाउन कर लेगा फ्रूट जैसे एग्जाम्पल में ये जतूरा का फ्रूट है तो इसने कहीं से भी अपने आप को डिस्टेंड करके सीड की डिस्पर्सल कर लिए नेक्स्ट है जैसे पाइएक्सीडियम पाइएक्सीडियम में मैंने आपको बताया कि सर्कुलर लाइन की फॉर्म में एक लिड की तरह कवर uh, खुलेगा जिसमें से सारे जो हमारे सीड्स है वो निकलेंगे तो इसे हम कहते हैं टाइप ऑफ फ्रूट आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा मेन आपने इसमें ही याद रखनी है अगर आपको प्रेजेंटेशन याद है तो आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगी मेन तो आपने लेग्यूम जो पी में प्रेजेंट है फॉलिकल लक्सपुर में प्रेजेंट है सिलिकुला प्रेजेंट इन मस्टर्ड सिलिकुला Ibris में तो ये आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सूल याद रख लेने की कौन सा कैप्सूल में किस टाइप की डिजाइन होती है मेन आपने यही एग्जाम्पल्स याद रखनी है नेक्स्ट हम करेंगे साइजोकार्पिक कार्पिक फ्रूट साइजो कार्पिक फ्रूट भी मैनी सीडेड होता है ड्राई सिंपल बट ब्रेक डाउन इंटू सिंगल सीडेड पार्ट्स इसमें जो ब्रेक डाउन हो गए सिंगल सीडेड पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जो तो इनडेसेंट in फ्रूट रहेगा रहे या पार्ट in रहेगा उसे हम कहते हैं मैरी काप ड पार्ट को हम कहेंगे कुकी ये आपने याद रखना है जो इनडेसेंट पार्ट रहेगा उसे हम कहते हैं मैरी काप और डेहिस्टेंट पार्ट को हम कहते हैं कुकी ये आगे फर्दर टाइप्स की है नेक्स्ट हम करेंगे साइजोकार्पिक फ्रूट की टाइप्स मेन जो साइजोकार्पिक फ्रूट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी टाइप्स भी फर्स्ट है जैसे क्रीमो का फ्रूट क्रीमो का फ्रूट में आपने ये याद रखना है कि जो ओवरी है वो क्या है इनफीरियर है बायोलोकुलर है बाय, बाय कार्पुलरी है सिन कार्पस है मेन इसका पॉइंट है परसिस्टेंस स्टाइलोपोर कि स्टाइलोपोर परसिस्टेंस रहती है जो स्टाइलोपोर है वो मेन कैरेक्टर फीचर होता है अम्बली फ्रेसी फैमिली का या एपीएसी फैमिली का जिसमें इंक्लूड होते हैं कोरिएंडर और फ्यूनिकल तो उसमें क्रीमो का फ्रूट प्रेजेंट होता है जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो दिस वन इज अ फ्रूट ऑफ फैनल जिसे हम सोफ भी कहते हैं तो इसमें प्रेजेंट होता है जैसे ये लाइन ऑफ डेहसेंट है ऊपर ये स्टाइलो पोर्ड दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे स्टाइलो पोर्ड के जब ये डेहीसेंट होता है तब भी ये ऊपर ही रहते हैं परसिस्टेंस रहते हैं और सेंटर में जैसे ये फ्रूट हो गया ये फ्रूट एक डेहिसेंट हो गया दूसरा डेहिसेंट हो गया तो और ये इनको जोड़ने वाली एक एक्सिस होती है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था थैलमस में कार्पोफोर कि वो वाला थैलमस जो फ्रूट के बीच में से इलांगेटेड होता है प्रोलोंग हो जाता है उसे हम कहते हैं कार्पोफोर तो इसकी एग्जांपल भी मैंने उस टाइम बताई थी आपको कोरिएंडर तो कोरिएंडर किसका मेंबर है अम्बली फ्रेसी या एपीएसी फैमिली में फैमिली का तो उसमें फैनल भी आता है कोरिएंडर भी आता है तो फैनल में भी कार्पोफोर प्रेजेंट होगा जो हेल्प करता है इन दोनों को जोड़ने में मैरी काप्स हैं जो इंडेसेंट फ्रूट है इंडेसेंट सीड्स है उनको जोड़ने में हेल्प करता है जैसे इसमें भी दिखाया गया है धनिया या कोरिएंडर का फ्रूट और इसमें भी कार्पोफोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नेक्स्ट हम करेंगे कारसी रुलस कार्सीुलस में भी जो ओवरी है वो सुपीरियर बाय टू मल्टीलोकुलर होगी एंड डिसेंट इनटू मैरी काप इसेंट इन टू मैरी काप इसमें एग्जांपल याद रखना है आपने अल्थिया नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंपाउंडारा में क्या होगा जो फ्रूट होगा विंग्ड होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जैसे कि स्मारा में फ्रूट विंग्ड होगा तो जब दो तीन समारा मिलके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मारा तो इसकी एग्जांपल में क्या होगा एसर जिसे हम मैपल भी कहते हैं जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि दिस वन इज अ फ्रूट ऑफ मैपल सीड है और उसके विंग्स प्रेजेंट है जो प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ़ दैरिका नेक्स्ट है रेग्मा रेग्मा में क्या होगा जो फ्रूट है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंगल सीडी डिहिस्टेंट अब मैंने आपको बताया था डिहिस्टेंट पार्ट को हम क्या कहते थे कुकी जब फ्रूट डिहिस्टेंट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं कुकी तो ये अपने आपको कैसे जोड़ रक, जोड़ के रखता है मेन एक्सिस से थ्रू कार्पोफोर कि कार्पोफोर स्ट्रक्चर एक तो हमने पढ़ा था क्रीमो का आप में प्रेजेंट है और दूसरा रेग्मा में प्रेजेंट है इसकी एग्जांपल में आता है कस्टर्ड तो आप इस फिगर में जैसे देख सकते हो दिस वन इज अ रेग्मा फ्रूट ये दो आपको डेसेंट पार्थ दिखाई गए जिसे हम कुकस कहते हैं या कॉकस कहते हैं और सेंटर में कार्पोफोर है जो इन सभी कोकस को जोड़ के रखता है सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं कार्पो फोर नेक्स्ट और लास्ट है लोमेंटम ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है साइजो कार्पिक फ्रूट की लोमेंटम में क्या होता है फ्रूट इज प्रेजेंट और कंस्ट्रक्टेड इन बिटवीन सीड्स कि सीड्स में कंस्ट्रक्टेड होता है मीन फूड कंस्ट्रक्टेड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा जैसे मैंने आपको अभी फिगर में बताती हूँ जैसे इसकी एग्जाम्पल में आपने याद रखना है रेडिश एंड ग्राउंड न तो ये आगे दो टाइप के हैं लोमेंटम सिलिक्वा मीन्स फ्रूट सिलिका लाइक ही प्रेजेंट होगा लेकिन जो फ्रूट प्रेजेंट होगा इन बिटवीन सीड की में प्रेजेंट होगा एग्जाम्पल में जैसे रेडिश रेडिश का फ्रूट नेक्स्ट है जैसे इसकी टाइप लोमेंटम पॉड लोमेंटम पॉड मीन्स लग्यूम की टाइप में प्रेजेंट होगा इसके एग्जाम्पल में जैसे ग्राउंड नट एंड अकेशिया तो आप इस फिगर में देख सकते हो जैसे ये लोमेंटम का फ्रूट दिखाया गया है इसके एग्जाम्पल में तो जैसे मूली का रेडिश का फ्रूट है तो इसमें जो वॉल्स होगी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है मीन्स बीच में इम्प्रेशन सा प्रेजेंट होता है जिसमें बीच में सीड भी प्रेजेंट होगा और फ्रूट भी प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहते हैं लोमेंटम इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया रेडिश है जैसे और ग्राउंड नट का फ्रूट हो गया एंड जो केशिया का फ्रूट प्रेजेंट है जिसे हम कि कहते हैं तो ये सारे एग्जाम्पल है लोमेंटम की तो मेन तो आपने इसमें एग्जांपल्स ही याद रखनी है तो डेट्स इनफ फॉर टुडे अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू सो मच